صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس روایت میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک صحیح معنی میں اپنے کو مومن کہلائے جانے کے لائق نہیں بن سکتا جب تک کہ میری ذات اس کی نظر میں اس کے والدین، اس کی آل اولاد اور تمام دنیا جہان کے لوگوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ بن جائے. اس وقت تک ایمان کا دعویٰ کامل طور پر سچا قرار نہیں دیا جا سکتا. اس میں مثال میں تین چیزیں ذکر کی گئیں: والدین، آل اولاد اور دنیا جہان کے لوگ. اس لیے کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو یا تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب ہے وہ قابل تعظیم ہے. مثلاً آدمی اپنے استاد سے محبت کرے تو استاد قابل تعظیم ہے، اپنے شیخ سے محبت کرے وہ قابل تعظیم ہے، اسی طرح والدین سے محبت کرے وہ بھی قابل تعظیم ہے. اس کو کہا جاتا ہے محبت تعظیم. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ والدین خوبصورت ہیں یا بدصورت، استاذ کی شکل کیسی ہے، استاذ کا لباس کیسا ہے، شیخ کا ظاہر کیسا ہے، بلکہ یہ محبت ہر حالت میں ہوتی ہے، بحیثیت والد ہونے کے یا بحیثیت استاد ہونے کے یا بحیثیت شیخ ہونے کے. تو اس کی طرف سے تو اشارہ کیا گیا من والدی ہی سے، کہ اگر تعظیم کی بنیاد پر محبت ہے تو سب سے زیادہ، بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کو جو عظمت ملی یہ ان کی عظمت کا صدقہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آ کر کیا عرض کرتے ہیں: فدا کا ابی و امی، حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان. یہ اسی عظمت کی بنیاد پر.
तो मिन वालिदिही में मोहब्बत ताज़ीमी की तरफ इशारा किया है। फिर फरमाया मिन वलदी आल औलाद, इसमें इशारा है मोहब्बत शफ़क़त की तरफ, क्योंकि आल औलाद से जो मोहब्बत होती है वो शफ़क़त आमेज़ होती है। वालदैन के दिल में अजीब अल्लाह ताला ने शफ़क़त रखी है अपनी औलाद के लिए, ऐसी शफ़क़त किसी और के लिए मुश्किल से होती है। और इसमें भी ये नहीं देखा जाता कि औलाद कैसी है, खूबसूरत है, बदसूरत है, बाकमाल है, बेकमाल है। हत्ता कि अगर वो खुदा न करे माजूर हो, फिर भी वो वालदेन की आँखों की ठंडक, वो नूर नज़र है लख्त जिगर। कितने ऐसे माजूर बच्चे होते हैं कि जिनकी खिदमत करते करते वालदेन बूढ़े हो जाते हैं, कितनी ऐसी मिसालें हैं। और ऐसी खिदमत करनी पड़ती है कि दूसरा उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और ये खिदमत हो नहीं सकती जब तक के दिल में शफ़क़त ना हो, मुमकिन ही नहीं। तो ये मोहब्बत शफ़क़त है जो औलाद के लिए वालिदैन के दिल में होती है। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये मोहब्बत शफ़क़त कितनी ही बढ़ जाए, हुजूर की मोहब्बत इससे ज़्यादा होनी ज़रूरी है। लाख ये शफ़क़त तुम्हारी कितनी ही हो, मगर जब मामला हुजूर का आ जाएगा तो अब औलाद की मोहब्बत उसके सामने है सिफर, कुछ नहीं। बीवी की मोहब्बत, शोहर की मोहब्बत, भाई बहनों की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत सब है सिफर, हुजूर की मोहब्बत नंबर एक। चुनाचे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का यही हाल है। ग़ज़वा उहद के मौके पर एक सहाबिया के कई बेटे शहीद हो गए, शौहर शहीद हो गए, सुहाग उजड़ गया, घर वीरान हो गया। आके खबर मिली तुम्हारे बेटे शहीद हो गए, तो फरमाया ये बताओ मेरे आका बाहयात हैं, शौहर चले गए, कि चलो छोड़ो ये बताओ हुजूर खैरियत से हैं, मदीने से आ रही हैं जंग की जगह पर, कि जब तक मैं हुजूर को न देख लूँ मुझे चैन नहीं आएगा। यह है जज्बा, सारी शफ़क़तें कुर्बान हैं पैगंबर अलैहिस्सलाम के कदमों पर। फिर फरमाया कि वह मिनन नासी अजमाई, पर्वत उसी का ध्यान, या किसी ने हमारे साथ एहसान कर दिया तो अब हम उसके गोया के गुलाम बन जाते हैं। अल इंसान अब्दुल एहसान, कोई ज़रूरत के वक्त हमारे काम आ गया, किसी ने हमें सहारा लगा दिया, कोई और एहसान कर दिया, तो ये मोहब्बतें, इसमें मोहब्बत मुशाकलत और मोहब्बत एहसान इसकी तरफ इशारा है। व मिनन नासी अजमाइन, ये दोनों मोहब्बतें भी सरवर आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस बुनियाद पर भी सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए।
क्योंकि आपसे बड़ा हसीन व जमील इस कायनात में नहीं हुआ। सारा हुस्न व जमाल अल्लाह ताला ने आप में जमा फरमा दिया। एक सहाबी फरमाते हैं कि उनके बच्चे ने उनसे पूछा, छोटे बच्चे ने, कि अब्बा जान आपने हुजूर को देखा है, बताइए हुजूर कैसे थे। छोटा बच्चा अपने सहाबी वालिद से पूछ रहा है, कई फकान रसूल, कई फकान सिफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी को और तो कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने जवाब दिया, या बुनैया कान शम्स तालियातु, बेटे बस क्या बताऊं, यूं समझो सूरज निकला होता और मैं क्या बताऊं, ऐसा रोशन आपका चेहरा था गोया कि सूरज निकला है। सहाबा फरमाते हैं कि जब आप गुफ्तगू फरमाते हैं और दंदाने मुबारक जाहिर हो जाते गुफ्तगू के दौरान, तो दांतों की चमक दीवारों पे पड़ा करती थी, लाइट गोया रोशनी निकल रही थी। फरमाया कि जो कपड़े से ढका रहता था जो बदन, अगर ये कपड़ा हट जाता तो ऐसा लगता था कि अन्ना सभी का तो फिजतीन, गोया चांदी में इसे रंगा गया, ढाला गया है, ऐसी चमक थी। फरमाते हैं कि जब आप पर खुशी के आसार होते थे तो तब रुको आसारी रोज ही रग रग चमक उठती थी। सहाबा ऐसे मौके को जिक्र करते हैं क्योंकि ये कभी कभी का ये मंजर होता था जिसके इंतजार में रहते थे। बरा इब्ने आज़िब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में आया, चौदहवीं का चांद निकला हुआ था और आप सुर्ख धारी दार चादर ओढ़े हुए जमीन पर आराम फरमाते हैं और चेहरा नूर नबूवत से चमक रहा था। तो मैं कभी चांद को देखूं, कभी हुजूर को देखूं और ये सोच रहा था कि किसमें हुस्न ज़्यादा है, उस चांद में जिसे दुनिया हुस्न की मिसाल में पेश करती है या मेरे हुजूर में। फरमाया बहुत जल्द मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि हुजूर में जो हुस्न व जमाल है उस पर हजारों चांद कुर्बान किए जा सकते हैं। ऐसा नाक नक्शा, ऐसी जुल्फें, ऐसा बदन, ऐसा अंदाज किसी को आता नहीं हुआ जो हमारे आका सो मूजिब मोहब्बत है, तो ये सबब हुजूर से ज़्यादा किसी में नहीं पाया जा रहा। हर एतबार से आपको कामिल मुकम्मल अल्लाह ताला ने बनाया है। ऐसी कुव्वत है कि जन्नत के 100 मर्दों की ताकत आप में अल्लाह ताला ने रखी। 63 साल की उम्र हुई लेकिन इस 63 साल में 20 बाल भी सफेद नहीं हुए, वो भी कभी कभी चमक से जाहिर हो जाते हैं। ऐसी ताकत और कुव्वत और सेहत अल्लाह ताला ने अता की। बड़े बड़े पहलवानों को चित कर दिया। तो अगर ये चीज़ें मोहब्बत की हैं तो हुजूर में सबसे ज़्यादा मोहब्बत का सबब पाया जाता है। और भाई एहसान का तो कोई जवाब ही नहीं, आप हमारे मोहसिन हैं दुनिया में भी और आप हमारे मोहसिन हैं आखिरत में। दुनिया में एहसान अल्लाह की किताब हम तक पहुंचाई,
हमारा राबता रब्बुल आलमीन से कायम फरमाया, जरिया आप बने, इससे बड़ा एहसान और क्या हो। हमारे लिए, उम्मत के लिए, उम्मत की सरबुलंदी के लिए आपने जानी माली कुर्बानियां पेश फरमाई, कोई उम्मत उसका तसव्वुर कर सकती है? आपको मक्का मुअज्जमा में इज्जत और एहतराम का मकाम हासिल था। नबुवत मिलने से पहले तक अस्सादिक अलमीन के नाम से आपको पुकारा जाता था, इख्तलाफ में फैसल आपको बनाया जाता था। मजलिस में पहुंच जाए तो सदर मकाम पर बिठाया जाता था। ऐसी अजमत और ऐसा एहतराम लोगों के दिलों में था। बिरसत मुबारका के बाद जब दीन की दावत पेश की तो माहौल बदल गया। वही एहतराम करने वाले जानी दुश्मन बन गए। अगर आपके दिल में उम्मत की मोहब्बत न होती और दीन की मोहब्बत न होती तो आप तो अपनी जगह पर थे ही, हाँ में हाँ मिलाते रहते, जिंदगी गुजारते रहते। लेकिन दीन की आज़मत के लिए और दीन की दावत के लिए और उम्मत को जहन्नम से बचाने के लिए अपनी सब चीज़ें कुर्बान कर दी, जान माल इज्जत की कोई परवाह नहीं। कैसी कैसी मशक्क़तें मक्का मुअज़्ज़मा में बर्दाश्त की हम और आप उसको सोच नहीं सकते। बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ते हुए मलऊन उकबा इब्ने अबी मुआयत ने आकर ऊंट का ओझ लाकर सर पे रख दिया, नऊज़ बिल्लाह। ऐसा भारी था और बदबूदार था कि हजरत उठ नहीं पा रहे थे और लोग ठटव्वल कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा छोटी बच्ची थी, उनको जाकर किसी ने खबर की कि तुम्हारे अब्बा जान के साथ ऐसा हो रहा है। वो छोटी बच्ची आई, उन्होंने किसी तरह धक्का वक्का देकर उसे हटाया, तब आपने सजदे से सर उठाया। ताइफ के मैदान में आपका खून बहा, क्यों बहा, किसके लिए बहा? क्या अपनी ममलकत के लिए, हुकूमत के लिए, सल्तनत के लिए? मेरी उम्मत का कैसे भला हो, मेरी उम्मत की नजात कैसे हो? फरमाया मेरी मिसाल ऐसी है जैसे कोई आग का अलाव जल रहा हो जंगल में और परवाने आके गिर रहे हों, जल रहे हों, और मैं उन्हें पकड़ पकड़ के रोक रहा हूँ कि इधर मत जाओ, जल जाओ, तो मैं ऐसे ही उम्मत को रोक रहा हूँ। ऐसी आपने हमारे साथ एहसान वाला मामला फरमाए जिसका हम हक नहीं अदा कर सकते। और फिर कयामत में, आखिरत में जब कोई किसी के काम ना आएगा, पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए सहारा बने। हुजूर ने फरमाया कि हर नबी को एक ऐसी दुआ दी गई जो कबूल हुई, जिसके कबूलियत की जमानत मिली, और मुझे भी वो दुआ मिली थी, मगर मैंने वो दुआ दुनिया में नहीं मांगी, आखिरत में अपनी उम्मत के गुनहगारों को बख्शवाने के लिए उसे रोक के रखा है कि मेरी उम्मत का कोई फर्ज जहन्नम में न रह जाए। जब तक कि एक एक मोमिन जहन्नम से निकलकर जन्नत में नहीं चला जाएगा, मेरे आका को चैन नहीं आएगा। यह है मुहसिन आज़म, जिनके एहसान का कोई बदला पूरी उम्मत मिल के भी अदा नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ही अपनी शान आली से पूरी उम्मत की तरफ से आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो हुजूर ने फरमाया कि इसका हक अदा जब ही होगा जब के उम्मत के दिल में मेरी मोहब्बत तमाम मोहब्बतों से ज़्यादा हो जाए। لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين।
और ये मोहब्बत जुबानी जमा खर्च काफ़ी नहीं। जब दावे करते रहो, शोर मचाते रहो, ऐलानात करते रहो और करना कराना कुछ नहीं, ये नहीं चलने वाली ये बात। मोहब्बत का तकाजा ये है कि हुजूर की तरह सूरत हो, हुजूर की तरह सीरत हो। जब तो आदमी समझा जाएगा कि भाई मोहब्बत काम है। जिंदगी का हर गोशा सुन्नत की रोशनी से रोशन हो जाए, मुनव्वर हो जाए, देखने से आदमी मालूम हो कि ये हुजूर का गुलाम चला आ रहा है, ऐसी जिंदगी हमारी होनी चाहिए। जब समझा जाएगा कि हम वाकई हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब को सही माना में मोहब्बत रसूल की तौफीक अता फरमाए, उसके तकाज़ों को पूरा करने की सआदत से बहरवर फरमाए, पूरी उम्मत के लिए खैर आफियत रहमत बरकत के फैसले फरमाए। वा आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।